राम राम जी, गुड मॉर्निंग सारन है, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। और इस टाइम पे बज गए हैं सुबह के, मतलब 6 बजन हो रहे हैं, 15-20 मिनट रहे हैं 6 बजन में, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और आज तारीख है 15, दिन है सोमवार। तो बस ईब अपने जो झंडा लगाना है सुबेरे उठ के ने झंडा लगा के आवांगे ईब ऊपर। चलो झंडा लगावांगे। हाँ, अभी हमारी तैयारी हो गई है झंडा लगाने की। 15 अगस्त मनावांगे ई मामे झंडा लहरा के ने, जो करोड़ सारे लहराया करन नु मामा हमारे घर के ऊपर लहरावांगे। तो चलो फिर लगावांगे। चलो फिर बढ़िया तिरंगा लगा दिया है हमने, अच्छी तरह बांधिया नीचे, फिर उड़े को नहीं गा। और मौसम हो रहा था बिल्कुल ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चला थी। सुबेरे का मौसम बड़ा ही मस्त हुआ है, मन लागे सारे मूचा अपनाए है उरे, तो है नहीं सारे मूचा अपनाए है, नहीं तो सारे ने कोई उटड़िया पटेंग रखा है, कोई पेड़ा पर टैंग रखा है। हाँ देखो रे उटड़ी पे दो टंग रहे, उड़े देखो वो टंग रहा दिखता को नहीं। आजो देखो उकर लहरावे हमारा झंडा, एक उर लग रहा है, दो यहाँ लग रहे हैं। ये तो जिनने दुकान बनाई है उनने टांग दिया, और ये हमने टांग दिया सुबेरे सुबेरे। कितने बज रहे हैं इब? 6 बज रहे हैं। उतर भी गए? अच्छा चाय पड़ा और ये देखो एक यो पेड़ा पर टैंग रखे है झंडा, ये टांग रखे हैं, ये उपड़ गया पड़ गया। हमने तो झंडा लगा दिया है ईब, आप सारे अपने अपने घर पे झंडा लगा दो, और सारे मोटी चोटी पर लगाइयो जो अलग ते दिखे की झंडा लगा रखा है। अपने हाँ सही बात है, अगर अच्छी बात चलेगी तो अच्छा वो लहरा होगा, कितना इंजी लगेगा। ठीक, इमे ऊपर गई थी ना तो एक आधे ने तो जो ओटड़ी नहीं हुआ है नीचे टंगा है मंडेर, उस पर लटका रखा है। चलो बालक बच्चे भी लगा दे, कई बार ऊपर नहीं चढ़ा जाता। सही बात है। तो आप सभी ने हमारी तरफ से स्वतंत्र दिवस की ढेरों सारी बधाइयां, लख लख बधाइयां। आप कुछ कहना चाहोगे अपने दर्शकों से? आप भी बताई दीजिए, मन तो दे दी। मैंने भी दे दी गल्ला है ना, आप फिर बोल कर दो नहीं भाई, हमने तो झंडा लगा दिया है, आप भी लगा दो सारे अपने अपने घर पे, दुकान पे, ऑफिस में, दफ्तर में, गाड़ी पे, घोड़ा पे, ट्रैक्टर पे, सब जगह तिरंगा तिरंगा लगा दो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है जी, ये सारी बात मैंने बोल दी थी, तो मैं और कुकर पता ही तो नहीं दिया कर एक या कम नहीं, तो तना हैप्पी बर्थडे बोल जाता, मैं थोड़ी ना और की मैं कहूंगा हैप्पी डेथ है, मैं भी नहीं कहूंगा हैप्पी बर्थडे। अच्छा हैप्पी डेथ को है, तो जन्म लिया तो जन्म की बधाई दी जाओगी, शादी है तो हैप्पी मैरिज की दी जाओगी। ओके जी, स्वतंत्रता दिवस है इसे ही देवांगे आप सारे। आपने तिरंगा लगा के किसा लग गया? बढ़िया लग गया, मैंने तिरंगा मैंने कई दिन हो गए तिरंगा लगाने में। अच्छा दुकान पर भी लगा दिया है ना? दुकान पर जमा घना बड़ा लगाया है, उसकी भी निकाल लिया क्लिप साल। मैं चल लू इबे, चल 6 बज गए। हाँ चलो दुकान पर साफ सफाई कराइयो,
तिरंगा देख आई हो। चलो फिर सच में दुकान पे चल पड़ो, लंबी उठाना पड़ा, चल पड़ो। चलो फिर क्यों वार करो, वो फिर तो घर आकर लग जाएंगे है ना। चलो चलें। नमस्ते ਸਾਡਾ ਬੋਪਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਭੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਕਾ ਅਭੀ। पहुंच गए हाँ दुकान पे। ये आ गया हमारी दुकान, किसान ट्रेडिंग कंपनी ऊपर लिख रखा है। और बस इपिये दुकान खोल लेवेंगे। और वो देखो झंडा पूरा बड़ा लगा रखा है। और बड़ी मस्त मस्त हवा चलन लग रही थी, ठंडी ठंडी कूल कूल। तो देखो ऊपर लहर लग रहा है हमारा झंडा, और पूरा बड़ा लगा रखा है दुकान पर। तो घर खातर तो मम्मी छोटा लेके आए थे, और दुकान खातर बड़ा लेके आए थे। अलग से सरिया गढ़वा रखा है ऊपर दीवार में, अलग से झंडा लगान खातर। फिर दादी उरे राइस खाजी को लगता पर और दुकान की सफाई करने खातिर लेके आए हैं। और के घरानू का टाइम पास को टाइम पास मैं चल करवाऊंगा टाइम पास। सही है नहीं तो हो गया होगा काटते काटते टाइम पास हो है कोनी हुंदा टाइम पास। सुबेरे सुबेरे आ रही है तारीख घर आ जाना है। बैठ ला तो साफ है, खुल लागो नी, खुल लागो नी। न तुलूंगी एक बारी बजरी तो अपनी बस थोड़ी रह रही है। अच्छा तुलजे थोड़ी सी। ये हमारी दुकान है, ये बाहर से यो क्रेशर यार इतनी है वो बजरी है। दुकान है क्या करूंगी, इतने पत्थर रहे घर और देखो हमारी रेती में ऐसे ऐसे पत्थर हैं। अगर आपने चाहिए तो बता दियो। ये वाले इसका पेंटिंग पेंटिंग करके ना जम्मा अच्छे लगेंगे। हाँ कुछ आ जाएंगे। रंग बिरंगे एक यूरिया कितने बड़े बड़े हैं। और ये देखो वाइट कलर का कितना अंडी लग गया, देखियो जम्मा जा लिए हैं दूध लेन। वो चुबारा दिखा है उनका ले क्या करा मम्मी दूध। या बना दी है आग, कोई बड़े बुजुर्ग आवे तो ओका बनना है। या गिलोई की बेल लग रही हो रहा है। या कुत्ते ने पाड़ दी, पूरी बड्डी होगी थी फिर इब सेफ्टी कर रखी है। यो वजन तुलन का वेट बद तो रहा है, फिर ग्रामा में बद रहा है मेरा यू के किलो में को नहीं बद रहा। ये टंकी धरी है बड़ी बड़ी 2000 लीटर 1500 लीटर नू। सरिये हैं, पाइप है। अरे यो तार है, यो खेतों में लगाया करें वो तार है। पाइप पुइप पड़ी है बस, और तो भीतर जाती नहीं।
वो जाली, ये हमारा गोदाम है। गोदाम तो सवेरे सवेरे बाहर की सैर करवा दी। ये पुराने कट्टे धरे हैं वाइट सीमेंट के, उधर वाइट सीमेंट धरी है, पुट्टी भी धरी है घरिया। यार वाल पुट्टी है यहाँ और उधर वाइट सीमेंट है। ये लिया है दूध, चलो चल लेंगे अपने घर पे। इस टाइम पे बज गए हैं शाम के 6 और लाइट आ गई है, पूरे 6 बजे आया करें। और बस मैं काम मैंने कर लिया है दोपहर का जो होया करें, झाड़ू तो निकालने की जरूरत को नहीं पड़ती क्योंकि डंगा तो कि मैं खंडदायक को नहीं जाता है। अब बस बर्तन मांजने थे वो मैंने साफ करके ने रख दिए हैं, बस अब लगाने लगाने रह रहे हैं। मैं भी लगा दूंगी मैं, और भजन चालन लाग रहे हैं आड़े, लाइट आन दे भजन चालन लाग जावे हैं। और सुबेरे भी नुए, सुबेरे भी करीब 5 बजे मामी उठा ना तो भजन चल दे पाव हमने, तो सुबेरे शाम भजन चल दे रहे हैं, मूड भी अपने बढ़िया रहा है। इब लाइट आई है तो बस जो कपड़े पड़े थे बेड पर वो प्रेस करूँगी पहले तो मैं, और जो जिनका प्रेस नहीं करनी है वो तय लगा कर मैं रख दूंगी। पहले तो मैं जिनकी तय तय करनी है पहले तय लगा कर मैं रख दूंगी, प्रेस तो मैं फिर करूंगी, पहले एक बार ही मैं भर दूं, नहीं फिर नुए होगा कि ये भी कपड़े रह रहे हैं, ये भी कपड़े रह रहे हैं, घने घने कपड़े दिख दे रहे, पहले तय करने वाले मैं कर दूंगी, फिर नु हो जाएगा कि बस थोड़े कपड़े रह रहे हैं, प्रेस कर दूंगी तो फटाफट तय। और इस पजामा का बटन टूट गया और मेरे तो बोले कि छो छो मम्मा ने लागे घना पीट दिया पजामा, मखा हाँ नु बड़ी पास गए क्योंकि मारी थोड़ी ही गिट पिट सी हो रही थी जय तक हुआ थी, बाकी सब तो चल रहे रहे अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में। और मैल के कपड़े एक तो काफी हो जावे है, इनके भी घने हो जावे है, दुकान पे कोई चक्कर भरना हो जावे है, मतलब ये वो जो काम पे लगा रखा था वो तो लाग को नहीं रहा, वो तो हट गया ना उसकी जोब लागी जाते हैं, तो वो कोई भी ट्रैली का रेती बजरी क्रेसर सीमेंट जो भी कोई चक्कर आवे है तो खुदे भरना पड़ा है और खुदे कट्टे डालने पड़े हैं, तो इसी करके ना बंदा की बहुत ही जरूरत हो रही है दुकान पर। और पूछ भी रखा है लेकिन एक महीना बाद आओगा वो जाते हैं, कपड़े गुंडे हो जावे हैं। आज त्योहार का दिन है, स्वतंत्र दिवस है, तो मीठा तो कुछ बनता है, तो मैंने पूछा था कि क्या खाना पसंद करोगे आप, तो उन्हें एक ही चीज बताई कि ब्रेड का हलवा, ब्रेड का हलवा। एक बारी बनाया था मैंने, इन्हें स्वाद ला गया, उसके बाद इनका फेवरेट हो गया है ब्रेड का हलवा, कि मैं भी पूछ लो के खाना है तो ब्रेड का हलवा एक होएंगे। तो बस इब ब्रेड का हलवा बनाने की तैयारी है, बना लूंगी इब मैं, और इन्हें एक ब्रेड का हलवा और एक जो सेवैया बनाया करें दूध में बनाया करें मैं, इन्हें काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं इनको, तो बस इब चलो ब्रेड का हलवा बना देते हैं, कुछ मीठा हो जाए। बस ये बनाने लगी हूँ मैं ब्रेड का हलवा, कढ़ाई रख दी है और घी डाल दिया था, घी ता गया था उसमें, तो फिर मैंने ब्रेड भी डाल दिया था साथ में, और बस घुमाती रही मैं जो कोंचा है, फिर अपने दूध भी डाल दिया था 10-15 मिनट बाद में, मुखार से आने लगी थी उसके बाद में, और फिर 5-10 मिनट चलाया था तो हलवा बनकर ने रेडी हो गया था। खाना खाने की तैयारी मारी होगी है, और ये देखो जी हेलो आप सब भी, ब्रेड का गरम गरम हलवा कति एंडी स्वादिष्ट बन रहा है, और यो अमित जी की मनपसंद खाने की चीज़ है या हर बार यो ही बनवाया करें मेरे पे, कोई भी वो हो ना, मतलब कोई तीज त्यौहार हो तो ब्रेड का हलवा बनवाया करें मेरे पे हमेशा। और कड्डिया सुबह की बच गई थी तो सब्जी बनाने की जरूरत को नहीं पड़ी, काम चल गया था, और ये ठंडा ठंडा दूध, ये गरम गरम रोटी, अच्छा डटिया नहीं जा रहा बिल्कुल भी है ठीक। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, हमारा जो
इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन है वो किस साल आ गया वो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग का कर देते हैं अब हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ। अगर आपने आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो सारे। ओके बाय बाय टाटा टेक केयर।